तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल का और एक नया ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा कि मैं बहुत दिन ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि क्यों ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, आज का जो ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग होने वाला है कि दोस्तों ऑनलाइन जो पेमेंट है, उस ऑनलाइन पेमेंट का चैलेंज। यानी कि दोस्तों, मैं आज जो खरीदने वाला हूँ, यानी कि दोस्तों जो जो चीज़ क्या क्या चीज़ वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो जो चीज़ मैं खरीदने वाला हूँ, वो सभी का सभी जो ऑनलाइन पेमेंट है, वो ऑनलाइन पेमेंट मैं करने वाला हूँ। तो देखते हैं कितना हो पाता है। तो दोस्तों, अब आता है मैं क्या क्या खरीदने वाला हूँ। दोस्तों, एक हेलमेट, एक बैग पैक, एक छतरी और दोस्तों कुछ घर का राशन पानी जो है वो खरीदने वाला हूँ। और दोस्तों, देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ है, ये चीज़ मैं ऑनलाइन पेमेंट कर पाता हूँ या नहीं। दोस्तों, तो आज का ब्लॉग है ऑनलाइन पेमेंट का चैलेंज। तो दोस्तों, आप लोग बोल सकते हो कि हेलमेट क्यों खरीदना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं जब ड्यूटी में जाता हूँ तो बाइक के ऊपर बैठ के जाता हूँ। तो दोस्तों, इसलिए जो हेलमेट है, वो हेलमेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, आप लोग पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे छोटा सा एक तालाब है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 8 और अभी जो दुकान है वो दुकान नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, मैं जाने वाला हूँ दोपहर के बाद, या दोस्तों 4 या 5 बजे, यानी कि दोस्तों करीब करीब आप लोग बोल सकते हो कि 2-2.5 बजे मैं यहाँ से जाऊँगा। और जाते जाते दोस्तों 3 या 4 बज जाएगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा रुकना भी है एक जगह पर। उसके बाद यानी कि दोस्तों जब 4 बज जाएगा तो तब मैं घर से निकलूँगा। और दोस्तों, उसके साथ साथ मेरा और एक काम शायद पड़ जाएगा, तो वो क्या काम है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आज का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होने वाला है ये जो ऑनलाइन पेमेंट है, ये ऑनलाइन पेमेंट वाला काम। क्योंकि दोस्तों, मैं रहता हूँ गांव में, और गांव में ये जो ऑनलाइन पेमेंट यानी कि दोस्तों जो क्यूआर कोड है जिसके माध्यम से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, तो उसका जो इस्तेमाल है दोस्तों, वो गांव में बहुत ही ज़्यादा काम होता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक नहीं, 2 या 3, 4, 5 जितना भी दुकान घूमना पड़ेगा तो मैं घूमूंगा। और घूम के दोस्तों, ये जो खरीदारी है यानी कि दोस्तों मैं जो खरीदने वाला हूँ, ये सब खरीदूंगा, और जो ऑनलाइन पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू करना, और आप लोगों के साथ मुलाकात होगी 4 PM को। तो दोस्तों, फाइनली निकल चुके हैं घर से, और मैंने जैसे बोला था कि मुझे और एक काम शायद मिलने वाला है, तो आप लोगों को पीछे देख सकते हो कि मेरा साइकिल है, और साइकिल के ऊपर दोस्तों एक बैरल है जिसमें दोस्तों पानी भर के घर पे लेके आना है। तो दोस्तों, उसमें पानी भी भरेंगे और ये सारे काम भी करेंगे, और करने के बाद दोस्तों घर पर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधा दुकान पर जाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आ चुका हूँ दुकान पर। आप लोग ये देख सकते हो, हेलमेट दिखाओ ज़रा, सस्ता वाला भी दिखाना और जो महंगा वाला है वो भी दिखाना। सात सौ या 800? 800? ये 1300 रुपया है। और यहाँ पर बोल रहा है कि डिस्काउंट भी मिलेगा, तो देखते हैं कितना डिस्काउंट देता है ये वाला। तो दोस्तों, ये वाला है बोल रहा है कि 800 रुपया, लेकिन थोड़ा देखता हूँ कि डिस्काउंट होता है कि नहीं। तो ये लगता है अच्छा है बहुत। ये कितने का? ये इससे भी ज़्यादा ये महंगा है। और दोस्तों देखो, ये इससे भी ज़्यादा महंगा है, ये बोल रहा है कि ये 1200 रुपया का। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो 700 या 800 रुपया का जो हेलमेट है, यही मेरे लिए बेस्ट रहेगा। ये 1100 रुपया। और ये देखो, उससे भी ज़्यादा महंगे वाला आने वाला है। ये देखो, ये है, ये लगभग 2000 रुपया पड़ जाएगा। तो ये जो देख रहे हो ना, ये इसको लेना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों, ये वाला जो हेलमेट 800 रुपये का बताया था, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि थोड़ा डिस्काउंट कर दो, और डिस्काउंट करने के बाद दोस्तों देखता हूँ कितना बोलता है। दोस्तों, ये बोल रहा है कि 700 रुपये में ये जो हेलमेट है, ये हेलमेट आप ले जा सकते हो। तो दोस्तों, चलो ऑनलाइन जो पेमेंट है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट का फर्स्ट चैलेंज कम्प्लीट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि QR कोड है। तो चलिए दोस्तों, जो चैलेंज है, उस चैलेंज का पहला स्टेप मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जो QR कोड है दोस्तों, वो QR कोड से मैं यहाँ पर जो पेमेंट है वो पेमेंट कर रहा हूँ।
₹700 received on phone pay. दोस्तों यहाँ पर पहला जो ऑनलाइन पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों अब आता है बैकपैक और जो छतरी है उस छतरी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो बैकपैक है आप लोग देख सकते हो, ये बैकपैक मुझे पसंद आ जाए और यही बैकपैक को मैं लेने वाला हूँ। और दोस्तों इसके साथ साथ और एक छतरी जो है वो छतरी भी मुझे लेना है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं छतरी इसी दुकान पे मिलेगा, ये मुझे बोला है। तो दोस्तों ये देख सकते हो एक छतरी है। और दोस्तों ये जो कलर है ये कलर मुझे बहुत ही पसंद आ चुका है। तो दोस्तों ये वाला जो कलर है ये कलर का छतरी मैं लेने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर और एक मज़ेदार जो बात है वो है दोस्तों यहाँ पर QR कोड का सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर QR कोड जो है वो QR कोड कहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर से ये जो छतरी है ये छतरी मैं लेने वाला हूँ और आप लोग कलर देख के बता सकते हो कि दोस्तों ये छतरी अच्छा हुआ है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी QR कोड का जो सिस्टम है वो सिस्टम है और यहाँ से दोस्तों मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से पेमेंट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ₹415 का जो पेमेंट वो पेमेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली हेलमेट भी ले लिया और पीछे देखो बैग भी ले लिया और बैग के अंदर जो छतरी है वो छतरी है। और चलिए दोस्तों अब जो राशन पानी का बात मैंने किया था तो उसके लिए दोस्तों 1 kg दाल और देखते हैं क्या लेते हैं। और लेने के बाद दोस्तों आप लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट का जो चक्कर है उस चक्कर में दोस्तों मुझे फिलहाल 8 दुकान मैं घूम चुका हूँ और दोस्तों मुझे पता नहीं कितना और दुकान घूमना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्लॉक के अंत में आके दोस्तों एक गड़बड़ हो गया। मैं गया था दुकान पे दाल और जो सोयाबीन है वो खरीदने के लिए, लेकिन दोस्तों क्या हुआ वो दुकान पे जो बार कोड है दोस्तों जो QR कोड है तो वो QR कोड का जो सिस्टम है उस दुकान पे नहीं है। दोस्तों ऐसे करके मैं 8 दुकान अभी तक घूम चुका हूँ लेकिन दोस्तों वो जो QR कोड का सिस्टम है मुझे कोई भी दुकान पे नहीं मिला। लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं ये जो ब्लॉग है इस ब्लॉग को खत्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं और ज्यादा दुकान मैं घूमूंगा, लेकिन दोस्तों अभी शाम होने वाला है तो अभी जाते हैं घर। और घर जाने के बाद दोस्तों नेक्स्ट दिन ये जो QR कोड का सिस्टम है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट दिन ट्राई करेंगे। और दोस्तों मुझे अभी पता चल रहा है कि कितना चैलेंजिंग बड़ा काम मैंने ले लिया है। और दोस्तों जैसे तैसे ये जो ब्लॉग है इस ब्लॉग तो मुझे खत्म करना ही पड़ेगा। दोस्तों और 2-4 दुकान घूमते हैं लेकिन दोस्तों वो आज नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं कल ट्राई करेंगे और ये जो ब्लॉग है इस ब्लॉग को यहीं पर ही पॉज करते हैं। 2000 years later. तो दोस्तों वापस से मैं वही जगह पे आ चुका हूँ। और दोस्तों मैं नेक्स्ट दिन गया था दुकान में खरीदारी करने के लिए, 3 दुकान घुमा हूँ लेकिन दोस्तों वो जो QR कोड का सिस्टम है यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम है वो कोई भी दुकान पे नहीं था। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है इस ब्लॉग को दोस्तों इसीलिए जो आधा अधूरा है वो आधा अधूरा ही छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों वो सारे दुकान पे जो QR कोड का ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम था वो सिस्टम नहीं था। तो दोस्तों जब मैं घर आ रहा था तो उस वक्त मैं 1 kg जो दाल है वो दाल खरीद के लेके आया हूँ और वो भी नीचे शायद कहीं पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये वही दाल है और ये देखो मैं पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये देखो वही दाल है, मैं जब घर आ रहा था तो उस दुकान से दोस्तों 1 kg दाल पूरा हैंड कैश से खरीद के लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इसलिए इस ब्लॉग में हैंड कैश वाला जो सीन था वो सीन मैंने नहीं डाला क्योंकि दोस्तों ये जो ब्लॉग था ये ब्लॉग है ऑनलाइन पेमेंट वाला ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों इसको इसके अंदर रखते हैं। तो दोस्तों जो हैंड कैश वाला सीन था ये सीन मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि दोस्तों ये जो ब्लॉग है ये ब्लॉग है ऑनलाइन पेमेंट वाला ब्लॉग। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है इस ब्लॉग को आधा अधूरा खत्म करने में मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन दोस्तों क्या करें जो ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम था तो वो सिस्टम उस दुकान पे नहीं था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक ब्लॉग वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।